उत्तराखंड चंपावत के थाना बनवास क्षेत्र के मोहन चंद पुत्र बहादुर चंद निवासी चूना भट्टा बनबसा ने थाने में आकर अपने वाहन मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ब्लैक एंड एसेंट रजिस्टर नंबर UK03C2265 रजिस्टर नंबर UK03C2265 के चोरी होने के संबंध में सूचना दी, जिस पर धारा 379 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कर मामले के खुलासे हेतु थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सूचना मिलते ही मामले के खुलासे हेतु तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर CCTV कैमरों की मदद से अथक प्रयास से आज मलेरिया नाला गढ़ी कोट रोड बनबसा से अभियुक्त अमित श्रीवास्तव निवासी वार्ड नंबर 5 झोपड़ पट्टी बनबसा जिला चंपावत को मई चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये बनबसा थाना क्षेत्र का मामला है और 6 तारीख को चूना भट्टा निवासी मोहन चंद जी ने एक शिकायत की थी कि उनकी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई और इस संबंध में थाना में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखने के बाद से एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा CCTV चेक करते हुए और मैनुअली पूछताछ करते हुए उसमें काम किया गया और 15 तारीख को उसमें शाम को एक अभियुक्त जो बनबसा में रहने वाला है अमित श्रीवास्तव वो उस बाइक के साथ हमको मिला था और पूछताछ करने पर उसने ना ही डॉक्यूमेंट दिखा पाया और मैं इस संबंध में जानकारी दे पाया और वो हमारी जो चोरी की बाइक थी वही बाइक निकली तो उसको अभियुक्त को चोरी की बाइक के साथ बरामद किया गया है और उसको अगली कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।